जैन दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज के इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है विकास सिंह जी ने, देव अग्रवाल जी ने, गोपी यादव जी ने और नवीन जोशी जी ने। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। आप अगर WhatsApp पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा WhatsApp कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा Facebook या Instagram पर भी अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन आप हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चन को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करेंगे। तो आइए किसने कौन सा क्वेश्चन भेजा है और क्वेश्चन भेजते समय उन्होंने क्या कहा है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नवीन जोशी जी ने मेल किया था और उन्होंने लिखा है, सर माय नेम इज नवीन जोशी, ये मोदी नगर से बिलोंग करते हैं और इनके एग्जाम में आपकी वीडियोस से मैक्सिमम 70% क्वेश्चंस आए थे। मैंने आपकी 7 वीडियोस देखी थी, मात्र 7 वीडियो इन्होंने देखी और इन 7 वीडियो से 70% क्वेश्चंस इनके एग्जाम में आए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर कि क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस को रिपीट करता हूं जो ट्रिपल सी एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और लोगों ने भी क्वेश्चन को सेंड किया है, उनके क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ये विकास सिंह जी ने क्वेश्चन सेंड किया था कि ई कॉमर्स में ई का फुल फॉर्म क्या है, यूपीआई से कितना पेमेंट कर सकते हैं, पीएनजी का फुल फॉर्म। तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे। जो भी क्वेश्चंस आप लोग सेंड करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन है डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर ऑफ उबंटू एंड लिनक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर कि क्वेश्चंस इंग्लिश में आ रहे हैं तो आप इंग्लिश में डिस्कस करिए। तो ऐसा नहीं है कि सभी के क्वेश्चंस मात्र इंग्लिश में ही हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस आ रहे हैं। किसी किसी के एग्जाम में क्या है कि जो भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, जिस सिस्टम पे वो एग्जाम दे रहे हैं उस सिस्टम में हिंदी सपोर्ट ना होने की वजह से वहां पर हिंदी की जगह पर डॉट डॉट या ब्रैकेट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चंस को मैंने इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर ऑफ उबंटू एंड लिनक्स। जैसे कि आप विंडोज का उपयोग करते हैं तो वहां पर डिफॉल्ट में रहता है विंडोज मीडिया प्लेयर का, है ना। लेकिन यहां पर पूछा गया है कि उबंटू और लिनक्स में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा होता है। ऑप्शन है वीएलसी, विंडोज मीडिया, लिनक्स मीडिया सेंटर या उबंटू मीडिया सेंटर, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वीएलसी। ठीक है, वीएलसी मीडिया प्लेयर उन दोनों में बाय डिफॉल्ट होता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इन ओएसआई मॉडल विच लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओएसआई मॉडल में सबसे महत्वपूर्ण लेयर कौन सी होती है, बताइए। ओएसआई मॉडल में टोटल कितनी लेयर होती है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर पूछा गया सबसे महत्वपूर्ण, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर कहलाती है। अब नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी टू गिव स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड एवरी टाइम ड्यूरिंग यूएसएसडी। मींस जब भी आप यूएसएसडी सेवा का उपयोग करते हैं तो क्या यह हमेशा आवश्यक होता है कि आपको अपने आधार कार्ड की स्कैन कॉपी देनी होती है, बताइए ट्रू या फॉल्स। बहुत सारे लोग आप में से यूएसएसडी सेवा का उपयोग भी करते हैं, तो क्या यूएसएसडी सेवा का उपयोग करते समय हमेशा आपको आधार कार्ड की कॉपी देनी होती है, तो बिल्कुल आपका फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है, आपको आधार कार्ड की कॉपी वहां पर नहीं देनी होती है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ठीक है, यूएसएसडी क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, है ना, यही होता है ना फुल फॉर्म उसका। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूएसएसडी के द्वारा पर कस्टमर कितने रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यह भी आपसे पूछा जाता है, तो यूएसएसडी के द्वारा कितना कर सकते हैं, 5000 का, कितना 5000 रुपए पर कस्टमर आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। यूएसएसडी का क्या क्या लाभ है, तो बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट है, ये सारी सेवाएं आप उसके द्वारा ले सकते हो। अब नेक्स्ट, व्हाट इज पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी क्या है बताइए, इसका क्या उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा यहां पर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ओके, अब नेक्स्ट,
इक्वल फ्लोर 15,257 कामा -5 का मान कितना होगा, बताइए। यहां पर फ्लोर पूछा गया है 15,257 कामा -5। तो यहां पर देखिए कैलक ओपन कर लेते हैं और विद प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं कि यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, फ्लोर, सेलिंग, राउंड, ये तीनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा पूछे आ रहे हैं, इसीलिए आज मॉर्निंग की जो क्लास थी वहां पर मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्क के उन सभी फार्मूलों को विद नंबर जो क्वेश्चन पूछा रहा एग्जैक्ट उन्हीं क्वेश्चन के साथ मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। अब यहां पर क्या है, इक्वल फ्लोर 15,257 कॉमा -5। ठीक है, जूम कर लेते हैं और जैसे यहां पर एंटर करेंगे तो यहां पर देखिए एरर आ रहा है ना। मीन्स फ्लोर और सेलिंग फार्मूला में माइनस संख्या का उपयोग नहीं होता है और वहां पर माइनस दिया गया था, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड एरर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट कॉलम विड्थ कितनी होती है, बताइए। कैल्क में कॉलम विड्थ बाय डिफॉल्ट, तो यहां पर जूम करते हैं, चलते हैं फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत, तो यहां पर रो एंड कॉलम का ऑप्शन दिया गया है। तो रो की हाइट होती है, कॉलम की विड्थ होती है, तो यहां पर कॉलम विड्थ पूछा गया है, तो कॉलम विड्थ पर आप जाएं, तो यहां पर विड्थ पर क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं 0.89 दिया गया है। कितना, 0.89। ऐसे अगर आपको रो की हाइट देखनी है तो रो पे आप जाएंगे, हाइट पे क्लिक करेंगे तो कितना आएगा, 0.18। याद रखिएगा, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 0.89 इंच। अब नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग में दो प्रकार का पासवर्ड बना सकते हैं, बताइए ट्रू या फाल्स। तो बिल्कुल सही है आपका, दो प्रकार का पासवर्ड आप बना सकते हैं, दो प्रकार का पासवर्ड बनता है, एक आपका लॉगिन पासवर्ड होता है और दूसरा आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड के द्वारा आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और लॉगिन के द्वारा आप अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन करके जो भी इंक्वायरी आपको चाहिए, मिनी स्टेटमेंट या लिमिट्स आपको सेट करनी है, वो सारे काम आप वहां पे कर सकते हो। अब नेक्स्ट, IIN स्टैंड फॉर, IIN का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, इस आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। जब मैंने आपको 100 प्लस फुल फॉर्म पढ़ाए थे तो वहां पर ये सारे फुल फॉर्म आपको मैंने बताए थे। अब नेक्स्ट, यूनिक्स के फाउंडर कौन हैं, बताइए। यूनिक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, आप सभी जानते हैं, और इसके फाउंडर हैं केन थॉम्पसन और डेनिस रिची। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर यूनिक्स का आविष्कार किया था, तो यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ए एंड बी दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट, इक्वल मिन 528 प्लस मैक्स 528 का मान कितना होगा। मीन्स इक्वल मिन 528 प्लस मैक्स 528 का मान कितना होगा, यहां पर प्लस किया गया है। ठीक है, जबकि जो क्वेश्चन आया था वहां पर आया था, यहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ था, तो यहां पर आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आइए चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में और इसको विद प्रैक्टिकल देखते हैं। इक्वल मिन ब्रैकेट लगाते हैं, कितना है वहां पर 528, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर से मैक्स ब्रैकेट लगाते हैं 528, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं, तो राइट आंसर कितना आ रहा है, 27,87,84। ठीक है, याद रखिएगा 278,784, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट, लाइनक्स क्या है, बताइए। लाइनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां पर आपको बताना है। तो लाइनक्स क्या है आपका, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ यूटीएस, यूटीएस का फुल फॉर्म क्या है। एग्जाम में काफी सारे फुल फॉर्म्स भी पूछे आ रहे हैं और लिब्रे ऑफिस से भी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यूटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनरिजर्व्ड टिकेटिंग सिस्टम। क्या होता है, अनरिजर्व्ड टिकेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, इफ वी क्रिएट अकाउंट ऑन FB वी कैन नॉट डिलीट माई अकाउंट। मीन्स अगर आप फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो क्या आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं, बताइए ट्रू या फॉल्स।
तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि तो अगर आप अकाउंट बना सकते हैं तो वहां पर डिलीट और डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप उसे डीएक्टिवेट कर देंगे और डिलीट सेक्शन के अंतर्गत डाल देंगे तो आपकी कोई भी पोस्ट, आपकी कोई भी फोटो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वेयर इनपुट इज गिवेन इज डिक्रीट फॉर्म, जिसमें कंप्यूटर का प्रकार मीन्स वह कंप्यूटर कौन सा है जहां इनपुट असतत रूप में दिया जाता है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, इन विच टाइप ऑफ कंप्यूटर वेयर इनपुट इज गिवेन इन डिक्रीट फॉर्म, तो जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वहां पर जो हमारा इनपुट है वो असतत फॉर्म में डिक्रीट फॉर्म में दिया जाता है। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप किसका उदाहरण है बताइए, व्हाट्सएप किसका उदाहरण है। तो व्हाट्सएप के द्वारा आप सभी क्या करते हैं, आपस में संवाद स्थापित करते हैं, चैटिंग करते हैं, है ना, वीडियो कॉलिंग भी कर लेते हैं। तो ये आपका इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, इंस्टेंट मैसेजिंग। जितने भी ऐप ऐसे आते हैं जिनके माध्यम से आप क्या करते हो, संवाद स्थापित करते हो, वह सभी आईएम के उदाहरण है। आईएम क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग। ओके, अब नेक्स्ट, जो इंटरनेट पर रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है, मीन्स निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट पर रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आईएम, इंस्टेंट मैसेजिंग का उपयोग रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, यह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, CAAS का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAAS, तो CAAS का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशंस एज अ सर्विस, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में F3 का क्या उपयोग है बताइए, F3 फंक्शन की, फंक्शन की आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। F1, F2, F3 ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनसे काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बताइए विंडोज 10 में F3 का क्या उपयोग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ओपन अ सर्च विंडो। ठीक है, विंडो में कुछ भी आपको सर्च करना है तो सर्च का ऑप्शन ओपन करने के लिए हम F3 शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही F1 पूछता है तो F1 का उपयोग हम हेल्प के लिए करते हैं, F5 पूछता है तो F5 का उपयोग हम रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, PNG स्टैंड फॉर बताइए, PNG का फुल फॉर्म क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये क्या है, आपके इमेज का ही एक प्रकार है, जैसे JPG होता है, BMP होता है, GIF होता है, वैसे PNG भी आपका इमेज का ही एक फॉर्मेट है। अब नेक्स्ट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है बताइए, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में विद प्रैक्टिकल, देखते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का ऑप्शन कहां पर होता है और इसकी शॉर्टकट की क्या है होती है। ठीक है, तो यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क आपका ओपन है, यहां पर जब आप एडिट मेनू पे जाते हैं तो एडिट मेनू के अंतर्गत आपको ऑप्शन मिलता है पेस्ट स्पेशल सेलेक्ट ऑल का। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। वैसे ही पेस्ट स्पेशल में देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया गया है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का, है ना, दिया है ना पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। क्या होती है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऐसे ही पेस्ट स्पेशल की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है। नोट कर लीजिएगा, ये दोनों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहां पर सेल एडिट मोड की क्या होती है, F2 होती है। व्यू के अंतर्गत देखें तो ये ऑप्शंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डेट और टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, तो यहां पर कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन है करंट डेट के लिए, और करंट टाइम के लिए कंट्रोल प्लस से प्लस सेमी कॉलन का उपयोग किया जाता है। और आज भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल प्लस के का उपयोग करते हैं, कमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर प्लस सी का उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, अगर यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस वन। कंट्रोल प्लस वन के द्वारा हम फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। ठीक
ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। अब नेक्स्ट, पी टू पी स्टैंड फॉर, पी टू पी का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, पीयर टू पीयर, क्या होगा, पीयर टू पीयर। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 17575 कॉमा माइनस 5 का मान क्या होगा। कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था सर कि राउंड फार्मूले को समझा दीजिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो दो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, इनको मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं हम इक्वल राउंड, इक्वल राउंड 17575 कॉमा माइनस 5 का मान क्या होगा, ब्रैकेट लगाते हैं, इंटर कर देते हैं, तो यहां पर जीरो आ जाता है ना। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि 1700 इक्वल राउंड 1765 कॉमा माइनस 2 का मान कितना होगा, है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना आएगा, 1800 आएगा। जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की है वहां पर आपको समझाया है इसके बारे में, इसके अलावा कई सारे वीडियोस में मैंने इसको आंसर आपको बताया है, तो इसको आप एक बार समझ लीजिए। इक्वल राउंड अगर इसे हम पॉइंट में तोड़ें तो 1765 कॉमा माइनस 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं 17.65। माइनस 2 को मैंने डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, तो 0.65 हो गया, कॉमा 0 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ऐसे ही आप भी चेक किया करिए, है ना। तो जब भी कॉमा के बाद में 0 होगा, है ना, कंडीशंस कई सारी हैं, कभी कभी 1 भी हो जाता है, 2 भी हो जाता है, तो अगर कॉमा के बाद 0 है तो हमें दशमलव के बाद दूसरी संख्या नहीं पहली संख्या, है ना, दशमलव के बाद पहली संख्या को देखना है कि वह 5 से बड़ी है या फिर छोटी है। तो यहां पर दशमलव के बाद पहली संख्या कौन सी है, 6 है, तो 6 क्या है, 5 से बड़ी है, बड़ी है, इसलिए अगर ये दिया होगा 17.65 दिया होगा तो आपका राइट आंसर आएगा 18, लेकिन माइनस 2 के फॉर्म में अगर आप करेंगे तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, 1800 आएगा, क्योंकि माइनस 2 को हम पॉइंट में नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक स्टूडेंट की क्वेरी थी इसीलिए यहां पर एक्सप्लेन करके मैंने इसको समझा दिया, अगर अब भी कंफ्यूजन है तो फिर से बताइएगा, तो दूसरे तरीके से आपको मैं समझा दूंगा। अब नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड मेल इन मेल, ईमेल में मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है SMTP, किसका उपयोग करते हैं, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग पर डे एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं भी आपको बताता हूं और बच्चे भी बता रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन आज एग्जाम में मेरे आया था। अब नेक्स्ट, मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन इंप्रेस इज 100%, इंप्रेस में मैक्सिमम जूम परसेंटेज अर्थात अधिकतम जूम परसेंटेज 100% ही होता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा फाल्स, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंप्रेस का मैक्सिमम जूम कितना होता है, बहुत सारे लोगों ने राइट आंसर दिया है, कितना होता है, 3000%, है ना, 3000% अर्थात 3000% होता है इंप्रेस में मैक्सिमम जूम। अगर पूछता है मिनिमम जूम कितना होता है, तो मिनिमम जूम आपका कितना होता है, 5%, 5%, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, शिफ्ट प्लस ए का प्रयोग पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, बताइए। शिफ्ट प्लस ए का प्रयोग पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं, तो बिल्कुल आपका फॉल्स है, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स को अगर सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस ए का उपयोग करते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस ए का उपयोग नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट, UIDAI की शुरुआत कब हुई, UIDAI है क्या, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, सॉरी यहां पर मिस्टेक हो गई इसको फुल फॉर्म बताने में। तो UIDAI क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, और इसका काम क्या है, तो आधार कार्ड ये जारी करता है, आधार कार्ड की देखरेख करता है, ठीक है। किस मंत्रालय ने जारी किया, तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, तो मेरे बर्थडे वाली तारीख पे, है ना, 28 जनवरी को जारी किया गया था। अब सन 2011 नहीं मेरे बर्थडे का, ठीक है, लेकिन 28 जनवरी 2011 को UIDAI की शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज एग्जाम में पूछा भी गया था,
ट्रिपल्स एग्जाम में काफी क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखते रहिए। कल मॉर्निंग की जो क्लास होगी 7:30 बजे, उसमें भी हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एग्जाम में प्रेजेंट टाइम पर फाउंडर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं कि यूनिक्स के फाउंडर कौन है ना, उबंटू के फाउंडर कौन है, टेलीग्राम के फाउंडर कौन है। तो मैं चाहता हूं कि कल मैं एक वीडियो पोस्ट करूं जहां पर इन सभी के फाउंडर मैं आपको एक साथ बता दूं, ताकि आपकी एग्जाम में काफी हेल्प हो सके। तो किस समय मैं वो क्लास रखूं, ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की क्लास में बस इतने क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिले और सबसे पहले आप वीडियोज को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।